अपनाने का यानी कि अबला की पढ़ाई करनी है और वकालत करनी है, इन्होंने ऐसा फैसला कर लिया। तो ये नहीं डरते थे, इतनी अच्छी सिक्योर जॉब थी इनकी, भई लोग क्या कहेंगे या फिर ये छूट गई तो दूसरी नहीं मिलेगी तो क्या होगा, ऐसा इस तरह का उनके मन में कोई डर नहीं था। जो फैसला कर लिया वो कर लिया। ही मेट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एट याले। वो याले में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से मिले एंड बिकेम एन एडवाइजर एंड फ्रेंड टू द प्रेजिडेंट, और इस राष्ट्रपति के मित्र और सलाहकार बन गए। डगलस वाज ए लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। इंडिविजुअल राइट्स व्यक्तिगत अधिकार, व्यक्तिगत अधिकारों के ये अग्रणी वकील थे या फिर व्यक्तिगत अधिकारों की बहुत ज़्यादा वकालत करते थे, यानी कि सबसे आगे रहते थे व्यक्तिगत अधिकारों की वकालत करने में। He retired in 1975 with a term lasting 36 years. ये 1975 में सेवानिवृत्त हुए 36 साल तक चलने वाली सेवा के बाद। And remains, वो रह गए the longest serving justice in the history of court. कचहरी के इतिहास में सबसे लंबे सेवा देने वाले बनकर रह गए। The following excerpt, नीचे लिखा जो अंश है, excerpt means piece, is taken from of Men and Mountains by विलियम ओ डगलस। नीचे लिखा जो अक्सर्ट है ये किससे लिया गया है, इनकी बुक है ऑफ मैंस एंड माउंटेन्स, इससे लिया गया है। और इट रिवील्स हाउ एज ए यंग मैन, यह उजागर करता है कि कैसे एक युवा के रूप में, कैसे एक छोटे लड़के के रूप में, ड्रोन्ड इन ए स्विमिंग पूल, वे एक तरण ताल में डूब गए थे। इन दिस एस्से, इस एस्से में ही टॉक्स अबाउट द हिज फियर ऑफ वाटर,
पानी के प्रति अपने डर के बारे में वो बात करते हैं, एंड देयर आफ्टर उसके बाद हाउ ही फाइनली ओवरकम इट, कैसे वो इस पर काबू पाते हैं, इस बारे में वो बात करते हैं। नोटिस, ध्यान दो, हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट, कैसे ये आत्मकथा का हिस्सा ऑफ द सिलेक्शन चुना गया है, चुन कर लिया गया है, चुन कर इज यूज प्रयोग किया गया है टू सपोर्ट हिज डिस्कशन ऑफ फियर, डर के बारे में जो वो अपने डिस्कस कर रहे हैं, जो अपना विवरण दे रहे हैं, उसमें किस तरह से आत्मकथा का ये हिस्सा प्रयोग किया गया है। नोटिस दीज एक्सप्रेशंस एंड वर्ड्स, नीचे जो एक्सप्रेशंस और जो ये वर्ड दे रखे हैं इन पर ध्यान दो और इनका मीनिंग बताओ। तो ये जो एक्सप्रेशन है मैंने पहले भी बताया था आपको, इनका मीनिंग हम लेसन पढ़ेंगे तब आपको मिल जाएगा। इन पर ध्यान देना, यानी कि इनको विशेष रूप से याद करना है और बाद में इनको अपनी राइटिंग में यूज करना, यानी कि आप कोई क्वेश्चन वगैरह बना रहे हो या फिर कोई और कोई भी आर्टिकल वगैरह राइट कर रहे हो तो उनमें इनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना है। इट हैड, अब हम लेसन स्टार्ट करते हैं। इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, ये तब हुआ जब मैं 10 या 11 साल का था। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, मैंने तैरना सीखने का फैसला किया। देर वॉज ए पूल एट द YMCA इन याकिमा, याकिमा में YMCA में एक तालाब था। YMCA क्या है, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन है ये, तो इसमें एक तालाब था। That offered exactly the opportunity, जो opportunity क्या होता है, chance, मौका, जो एक सही offer करता था, provided कर सकते हो, offered का meaning आप, जो प्रदान करता था, जो देता था, offer करता था एक बहुत ही सही मौका। ये YMCA पुल तैरने का एक अच्छा मौका प्रदान करता था। The Yakima River was treacherous, treacherous क्या होता है, डेंजरस, ट्रिचरस का मीनिंग आप क्या राइट करेंगे, डेंजरस। याकिमा नदी थी वो खतरनाक थी। मदर कंटिन्यूली वार्न अगेंस्ट इट, माँ लगातार चेतावनी देती थी, वार्न मीन क्या होता है, चेतावनी देना, इसके विरुद्ध हमेशा चेतावनी देती रहती थी। एंड कैप्ट फ्रेश इन माई माइंड, और मेरे दिमाग में ताज़ा रखती थी द डिटेल्स ऑफ ईच ड्रॉनिंग इन द रिवर, नदी में प्रत्येक डूबने वाले का विवरण। माँ हमेशा चेतावनी देती रहती थी नदी से बचकर रहना, आज वो डूब गया, आज ये डूब गया, इस तरह से उसको उसको डर था कहीं ये आगे निकल जाए और नदी में डूब न जाए, तो इस तरह से वो उसके मन में एक डर बिठा देती थी उसके प्रति। बट द YMCA पुल वाज सेफ, किंतु YMCA जो तालाब था वो सुरक्षित था। यहाँ पे एक बात बताई गई है कि भी बच्चे के मन में किसी चीज़ के प्रति डर नहीं डालना चाहिए। हम बच्चों में डर डालते हैं कई बार, वो परेशान ज़्यादा करते हैं तब डर डालते हैं। कभी ये लगता कि जैसे इसकी माँ को डर था कि कहीं ये नदी में ना तैरने चला जाए और डूब ना जाए, इसलिए वो उसमें डर डाल रही थी, उसकी माँ के मन, खुद के मन में भय था। तो हमें इस तरह से बच्चों के मन में डर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि डर की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शैलो एंड, यह शैलो क्या होता है, नोट डीप, जो ज़्यादा गहरा ना हो। तो इसके जो किनारे थे वो ज़्यादा किनारों किनारों पे ही ज़्यादा गहरा नहीं था, 2 or 3 feet गहरा था। एंड वाइल इट वॉज 9 feet डीप एट द अदर, जबकि बीच में से ये 9 feet गहरा था दूसरी तरफ, यानी कि किनारों पे 2 or 3 feet गहरा था और आगे इसकी गहराई, द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, यहाँ पे ड्रॉप क्या है, गहराई, तो ये जो गहराई है ये धीरे धीरे बढ़ती थी। आई गोट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल, मैंने एक जोड़ी पानी के पंख लिए और तालाब पर चला गया। आई हेटेड टू वॉक नेक्ड इनटू इट, नेक यहाँ पे क्या है, कपड़े उतार कर जाना, यानी कि मैं, एंड शो माई स्किनी लेग्स, यानी कि कपड़े उतार कर इसमें नंगा जाने से मुझे अच्छा नहीं लगता था। स्किनी यहाँ पे क्या है, वेरी थिन, पतली पतली, और मेरी पतली पतली टांगे दिखाना मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो यहाँ पे एक बात दिखाई गई कि उसमें कहीं ना कहीं एक हीन भावना है, भी वो अपने आप को दुबला पतला मानता है। बट सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट, सबड्यूड यहाँ पे क्या, ओवरकम,
कंट्रोल क्या मेरी इस गर्व पर, यहाँ पे ये गर्व तो नहीं, उसके मन में एक ये जो हीन भावना है कि भाई मेरी पतली टांगे कोई देखेगा तो कैसा लगेगा, तो ये इस तरह के जो भाव उसके मन में थे उस पर उसने कंट्रोल किया, यानी कि उसमें जो कंट्रोलिंग पावर थी वो भी अच्छी थी एंडिडेट। और ये क्या, एक जगह इसमें हीन भावना है कि भाई मैं दुबला पतला हूँ, और दूसरी तरफ उसमें उसमें कंट्रोल उस हीन भावना को दबाने की भी शक्ति है, यानी कि उस पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं देता है वो, जब ऐसी बात आती अपने भविष्य को सुधारने की तो उस पर वो कंट्रोल भी कर लेता है, यानी कि वो इस बात को इतना दृढ़ करके नहीं चलता कि भी कुछ भी हो जाए मेरी इतनी पतली टांगे मैं किसी को दिखाऊंगा नहीं, ऐसा नहीं है, वो इस भाव भावना के ऊपर कंट्रोल भी करना आता है उसे। तो यहाँ पे दो तरह के भाव दिखाए गए हैं इसके, एंड डिडिटोर वो ऐसा करता है फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से। अब यह है हाउएवर आई हैड एन अवर्जन, इसमें दो घटनाओं का जिक्र किया गया है, दो, एक एक को मिस एडवेंचर का नाम दिया गया है, जो अब ये जो शुरुआत में जिसका शुरुआत की गई है जिस घटना से, तो ये तो मिस एडवेंचर दे दिया, और एक इससे पहले एक और छोटी सी घटना इसके साथ घटती है जिसकी वजह से इसके मन में ये पानी के प्रति एक नफरत का भाव पैदा हो जाता है, एक एजिटेशन पैदा हो जाती है, उसका अब हम ये बता रहे हैं, यानी कि पीछे चला जाता है, पीछे की स्टोरी बताता है। बोले शुरुआत से ही मेरे मन में आई हैड एन अवर्जन टू द वाटर व्हेन आई वाज इन इट, यानी कि जब मैं पानी में होता हूँ या फिर पानी के नज़दीक होता हूँ तो मेरे मन में इसके प्रति एक यहाँ पे डिसलाइक है, वैसे इसका मीनिंग आप हेजिटेशन कर सकते हो, रिलुक्टेंट, यानी कि उस पानी में जाने की मेरी इच्छा नहीं होती, मेरे मन में उसके प्रति एक नफरत सी होती है, डर होता है ये भी कह सकते हो। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 or 4 years old, ये तब शुरू हुआ जब मैं 3 या 4 साल का था, यानी कि अब वो 10-11 साल का, अब ये पीछे की घटना बता रहा है। तो ये पानी के प्रति इसके मन में एक अवर्जन, यह एक डिसलाइक, एक नफरत कैसे पैदा हुई, हेजिटेशन कैसे पैदा हुई पानी के प्रति, वो बता रहा जब मैं 3 या 4 साल का था। एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया, तो पिताजी मुझे कैलिफोर्निया के बीच पर ले गए, तो ये अमेरिका की कहानी है, तो वहाँ पे तो घूमने की जगह वही है। ही एंड आई स्टूड टूगेदर इन द सर्फ, सर्फ यहाँ क्या है, वेव्स बोल सकते हो, समुद्र के किनारे पर जो पानी की लहरें आती हैं वो उनके पैरों में आ जाती हैं, वहाँ पे खड़े हुए थे और फिर पानी फिर से चला जाता है। तो मैं और पिताजी वहाँ पे बीच पे खड़े हुए थे सर्फ में, लहरों में। आई हंग ऑन टू मी, यानी कि मैंने उनको पकड़ रखा था, हंग मीन किसी चीज़ से लटकना पकड़ना, तो उसने अपने पापा को पकड़ रखा था। येट फिर भी द वेव्स नॉक्ड मी डाउन, लहरों ने मुझे गिरा दिया, यानी कि लहर आई और लहर के साथ वो एकदम से गिर जाता है क्योंकि 3-4 साल का बच्चा है। एंड स्वेप्ट ओवर मी, और मेरे ऊपर से बह गई, यानी कि पानी उसके, वो गिर जाता लहर का पानी उसके ऊपर से चला जाता है। आई बरिड इन वाटर, मैं पानी के नीचे दब जाता हूँ। माई ब्रीथ वाज गोन, मेरा सांस चला गया। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डर गया। फादर लाफ्ड, पिता जी हंसे। बट देर वॉज टेरर इन माई हार्ट, किंतु मेरे मन में एक आतंक था। एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, लहरों की एक ऐसी ताकत जिस पे कंट्रोल नहीं किया जा सके, ऐसी ताकत का, लहरों की ऐसी ताकत का मेरे मन में एक डर बैठ गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपके मन में एक विचार आ सकता है कि बच्चा पानी में डूब गया है, डरा हुआ, और पिताजी हंस रहे हैं। तो यहाँ पे वो वाली बात है, जब छोटा बच्चा गिर जाता है वो जोर से रोने लगता है तो हम उसको, अरे कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, ये तो फर्श की लग गई, कीड़ी मर गई, ऐसे हम उसको हंसाने की कोशिश करते हैं या फिर कुछ और दिखाते हैं। तो पिता भी वही काम कर रहा है यहाँ पे, ये ज़्यादा डर जाता है तो उसको हंस कर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई कुछ नहीं, ये तो नॉर्मल चीज है। तो यहाँ पे पिता का हंसना ये कहा गया है, ये दर्शाता है। तो माई इंट्रोडक्शन, तो ये उसके मन में ये डर बैठ गया, 3-4 साल का था तभी। तो अब ये कह रहा है कि माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज, तो ये जो YMCA तरणताल था इसकी पहचान ने मेरी जो जो दुखद जो यादें थी, अनप्लीजेंट जो अच्छी नहीं थी, वो फिर से ताज़ा कर दी, यानी कि वो बातें फिर से याद आ गई। एंड स्टिल्ड चाइल्डिश फियर, और बचपन के जो डर थे वो फिर से जगा दी, यानी कि वो डर फिर से आ गया। स्टिल्ड यहाँ पे क्या है, वो डर फिर से पैदा हो जाना उसके मन में। स्टिल्ड का मीनिंग कर सकते अरोज, यानी कि जगा देना, फिर से पैदा कर देना वो डर बचपन का उसमें। बट इन ए लिटिल वाइल, किंतु थोड़ी देर बाद,
आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, मैंने अपना साहस बटोरा। गैदर्ड मीन इकट्ठा करना, यानी कि एक बार तो मन में डर आया, 3-4 साल का था तब जो डर बैठा था वही डर याद आ गया, लेकिन फिर उसने अपना कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास था उसको मजबूत किया। आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स, वो पानी के पंख लेकर गया था ना, तो पैडल्ड का मीनिंग आप कर सकते हो मूव्ड ऑन वाटर, चप्पू चलाना, पानी के ऊपर चलना। तो मेरे नए पानी के पंख थे, उनसे मैंने पानी के ऊपर चला। वॉचिंग द अदर बॉयज, दूसरे लड़कों को देखते हुए। एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग देम, एपिंग यहाँ पे क्या है, कॉपिंग, इमिटेटिंग कर सकते हो, इसका मीनिंग ज़्यादा अच्छी रहेगा। एपिंग का मीनिंग करो इमिटेटिंग, उनकी नकल करते हुए सीखने की कोशिश करते हुए, यानी कि दूसरे बच्चे जब तैरना सीख रहे थे तो उनकी वो नकल करते, वो भी सीख रहा था। आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज, ऐसा मैंने 2 या 3 बार किया भिन्न भिन्न दिन। एंड वॉज जस्ट बिगनिंग टू फील एट ईज, और अभी अभी मैंने एट ईज यानी कि मतलब सहज महसूस करना, फीलिंग महसूस करना शुरू ही किया था इन द वाटर, पानी में। यानी कि अब तक तो इसके मन में डर था, 2-3 बार उन बच्चों की नकल करके उसने तैरना सीखा, तो धीरे धीरे उसके मन का डर था वो निकलना शुरू हुआ था, यानी कि अब वो थोड़ा सा सहज महसूस करने ही लगा था पानी में। व्हेन द मिसएडवेंचर हैपन्ड, तब वो दुर्घटना घटित हो गई। मिसएडवेंचर हैपन्ड, तब वो दुर्घटना, एक्सीडेंट बोल सकते हो, मिसएडवेंचर। तो ये क्वेश्चन बन जाता है 6 नंबर का। अब ये आएगी क्या मिसएडवेंचर थी, आगे इसका आंसर मिलने वाला है हमें। आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वाज देयर, मैं तालाब पर गया, यानी कि 2-3 बार उसने ट्राई कर लिया था, 2-3 बार प्रैक्टिस कर ली थी, और एक दिन वो फिर से तालाब पर जाता है। व्हेन नो वन एल्स वाज देयर, जब वो तालाब पर गया तो दूसरा कोई नहीं था, एल्स मीन दूसरा। द प्लेस वाज क्वाइट, वो जगह बिल्कुल शांत थी। द वाटर वाज स्टिल, पानी भी शांत था। एंड द टाइल्ड बॉटम वाज एज वाइट एंड क्लीन एज ए बाथटब, और जो टाइलों वाला जो तल था तालाब का वो उतना सफ़ेद चमकीला साफ था जितना कि हमारा नहाने का टब होता है, नहाने के टब में पानी डाल दें तो बिल्कुल साफ क्लीन होता है वो, तो इसी तरह से वो तालाब बिल्कुल क्लीन था। आई वॉज टीम्ड अबाउट गोइंग इन अलोन, अलोन मीन अकेला, मैं अकेला अंदर जाने से डरता था पानी में। टीम्ड का मीनिंग कर सकते हो लैकिंग कोरेज, साहस की कमी होना। मैं अकेला जाने से डरता था, मेरे में अकेले जाने का साहस नहीं था, यानी कि तालाब के पास आ तो गया लेकिन कोई नहीं था, तो उसके मन में डर आया कि मैं अकेला तैरने के लिए तालाब में चला जाऊं और कहीं डूब ना जाऊं, इसलिए अकेला नहीं गया, बोल मैं डरता था। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल, इसलिए मैं तालाब के बगल में बैठ गया। टू वेट फॉर अदर्स, दूसरों का इंतजार करने के लिए। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग, मुझे लंबा समय नहीं हुआ था। व्हेन इन केम ए बिग ब्रुजियर ऑफ बॉय, एक ब्रुजियर यहाँ पे क्या है, हरली बरली बोल सकते हो, हट्टा कट्टा सा बोल सकते हो, एक हट्टा कट्टा सा मस्कुलर मैन बोल सकते हो। तो हट्टा कट्टा सा एक लड़का आया, प्रोबेबली 18 years old, संभवता, प्रोबेबली मीन क्या है, संभवता, लगभग 18 साल का होगा। He had thick hair on his chest. उसकी छाती पर घने बाल थे, thick hair, घने बाल। He was a beautiful physical specimen. वह एक सुंदर specimen क्या होता है, sample, example, यानी कि शारीरिक सुंदरता का एक example था वो, सुंदर था। With legs and arms that showed rippling muscles. उसकी बाजुओं पे, उसकी टांगों पे रिपलिंग मसल्स, रिपलिंग, रिपल क्या होती हैं, जब पानी में पत्थर मारते हैं तो वो लहरें उठती हैं ना, तो रिपल होती हैं, तो उसकी टांगों पे, उसकी बाजुओं पे लहराती हुई, यानी कि मांसपेशियाँ थी, ऐसी मांसपेशियाँ थी, थोड़ा सा हाथ लगाया और वो पानी की तरह लहराएंगे। ही यील्ड, वो चिल्लाया, हाई स्किनी, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड, यानी कि तुम पानी में, क्या तुम पानी में डुबकी लगाना पसंद करोगे, वो उसको ऐसे बोलता है। और वो ऐसा पूछता है, जवाब नहीं लेता, उससे पहले विद दैट यानी कि ऐसा बोलने के साथ ही, ही पिक्ड मी अप, उसने मुझे उठाया, एंड टोस्ड मी इनटू द डीप एंड, और मुझे उस गहरे अंत में उछाल दिया। आई लैंडेड इन ए सिटिंग पोजिशन, वो बैठा था और बैठे के उसने उठाया
क्योंकि वो 10 साल का और वो 18 साल का, और वैसे भी हट्टा कट्टा, और जो क्या था उसने उठा कर सीधा पानी के अंदर डाल दिया। बोल मैं उस बैठी हुई स्थिति में ही उतर गया, क्योंकि उसको तो होश ही नहीं आया संभलने का। स्वेलोड वाटर, पानी घटक गया, यानी कि उसके मुंह में पानी चला गया। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और तुरंत तली पर चला गया। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डर गया। बट नोट इट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स, किंतु इतना भी नहीं डरा कि मेरी विवेक काम करना बंद कर दे। आउट ऑफ माई विट्स यानी कि मेरी बुद्धि काम करना बंद कर दे। डर तो गया था लेकिन मेरा दिमाग अभी काम कर रहा था। ऑन द वे डाउन यानी कि जब मैं नीचे जा रहा था, आई प्लान, मैंने योजना बनाई। ये उसकी प्लान है, स्ट्रेटजी है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज हिज स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी उसकी योजना क्या थी। व्हेन माई फिट हिट द बॉटम, ये उसकी स्ट्रेटजी है। व्हेन माई फिट हिट द बॉटम, जब मेरे पैर तल से टकराएंगे, आई वुड मेक ए बिग जंप, तो मैं एक बड़ी उछाल मारूंगा। केम टू द सरफेस, और सतह पर आ जाऊंगा। लाई फ्लैट ऑन इट, इसके ऊपर सीधा लेट जाऊंगा। एंड पेडल टू द एज ऑफ द पुल, और चप्पू चलाता हुआ यानी कि अपने पैर हाथ पांव मारता हुआ किनारे पर आ जाऊंगा, तालाब के एज में ब्रिंक किनारे पर आ जाऊंगा। उसने ऐसी योजना बनाई यानी कि जैसे हम जमीन पे करते हैं, ऐसे बोले मैं तली में जब मेरे पैर टकराएंगे तो मैं जोर से जंप मारूंगा और फिर उसके साथ ऊपर आ जाऊंगा जंप के साथ, और फिर पानी के ऊपर सीधा लेट जाऊंगा और फिर अपने हाथ पांव मारता हुआ तालाब के किनारे आ जाऊंगा। ये उसने योजना बनाई। इट सीम्ड ए लॉन्ग वे डाउन, यह मुझे बहुत ही लंबा रास्ता लगा। दोज 9 फिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वर मोर लाइक 90, वो 9 फिट मुझे 90 जितने लगे। 9 फुट कितने लंबे लगे, 90 फुट जितने, क्योंकि उसके मन में डर था ना भाई, अगर हम अपनी मर्जी का कोई काम कर रहे हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कितना समय बीत गया। और कोई खराब जो हमें पसंद नहीं है या फिर जिसकी वजह से हम डर रहे हैं वो हमारे जीवन में घटित हो जाए तो हमें एक एक पल घंटों जैसा लगता है। ऐसे ही इसमें यानी कि उसे डर लग रहा था, वो पानी में डूबता जा रहा था, उसे 9 फुट, एक एक फुट 10-10 फुट जितना लग रहा था। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम, और मैं तल को छूता उससे पहले, माई लंग्स वर रेडी टू ब्रस्ट, मेरे जो फेफड़े थे वो फटने के लिए तैयार हो गए थे, यानी कि इतना दर्द होने लग गया था। बट व्हेन माई फिट हिट बॉटम, जब मेरे पैर तल से टकराए, आई समंड ऑल माई स्ट्रेंथ, समंड यहाँ पे क्या गैदर्ड, इकट्ठा किया, स्ट्रेंथ मीन ताकत, मेरी सारी ताकत को इकट्ठा किया, क्योंकि वो अब उसमें ताकत रही नहीं थी, उसके फेफड़े तो फटने को जा रहे थे, तो फिर भी उसने साहस बटोरा। एंड मेड वाट आई थॉट, और मैंने वो किया जो मैंने सोचा था। वाज ए ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स, यानी कि मैं एक बड़ी उछाल के साथ ऊपर आ जाऊँ। आई इमेजिन, मैंने ऐसी कल्पना की, आई वुड बोब टू द सरफेस, बोब यहाँ पे क्या है, केम अप, मैं लाइक ए कोर्क, कोर्क एक लकड़ी की डांट होती है, उसको पानी में छोड़ते हैं तो वापस एकदम से ऊपर आ जाती, बोल मैं उसकी तरह पानी के तल पर आ जाऊँगा। इंस्टेंट इसकी बजाय I came up slowly, मैं धीरे धीरे ऊपर आया। I opened my eyes, मैंने मेरी आंखें खोली, and saw nothing, और मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। But water, मुझे और कुछ दिखाई नहीं दिया, बस पानी। Water that had a dirty yellow tinge to it, tinge क्या होता है, color, पानी जो एक गंदा सा पीला रंग लिए हुए था। अब यहाँ पे आपके मन में आएगा कि शुरू में तो तालाब का पानी बिल्कुल साफ दिखाया था, कि उसका तल बाथटब की तरह दिखाई दे रहा था, बिल्कुल साफ था पानी, लेकिन यहाँ पे डर्टी येलो क्यों हो गया। इसके 2 कारण हो सकते हैं, एक तो उसके मन में आतंक छाया हुआ था तो उसको कुछ भी अच्छा दिखाई नहीं दे रहा था, दूसरा डर के मारे उसका यूरिन पास हो गया हो और फिर वो येलो टिंज यानी कि पीला कलर, गंदा पीला कलर इसलिए हो गया हो उसके आसपास के पानी का, ये 2 कारण हो सकते हैं। आई ग्रीप निकी, मैं आतंकित हो गया, निकी यहाँ पे क्या है, आतंकित हो जाना, अफ्रेड भयभीत हो जाना, मैं डर गया। आई रीच्ड अप एज इट टू ग्रैब ए रोप, यानी कि मैंने अपने हाथ आगे बढ़ाए जैसे कि मैं कोई रस्सी को पकड़ लूंगा। ग्रैब मीन क्या है, झपट लेना किसी चीज को एकदम से, तो मन में आया कि भैया हाथ आगे बढ़ाऊंगा,
पकड़ना ग्रिप कर सकते हो, ग्रैब का मनी झपटना भी कर सकते हो। एंड माई हैंड्स क्लैस्ड ओनली एट वाटर, क्लैस्ड ग्रैब्ड इसका मीनिंग भी, लेकिन मेरे हाथों को केवल पानी मिला। जब उसने हाथ आगे बढ़ाई भी कोई रस्सी मिल जाए, कल्पना कर रहा था मैं उसको पकड़ के और ऊपर चला जाऊँ, तो पानी हाथ में क्या आ रहा था, सिर्फ पानी। आई वॉज स्पोकेटिंग, स्पोकेटिंग क्या होता है, चोक्ड, दम घुटना, मेरा दम घुट रहा था। आई ट्राई टू यिल, मैंने चीखने की कोशिश की, बट नो साउंड केम आउट, किंतु कोई आवाज़ बाहर नहीं आई। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर, फिर मेरी आँखें और मेरा नाक बाहर आया, बट नोट माई माउथ, किंतु मेरा मुंह नहीं बाहर आया। ये पानी के अंदर उसकी फर्स्ट इंसिडेंट है, यानी कि पानी के अंदर उसका पहला इंसिडेंट क्या था। ये जैसे दो तीन आएंगे ये क्वेश्चन बन जाता है इसके ऊपर, तो इसमें से बातें छाट के आप लिख सकते हो। उसमें आई फ्लैल्ड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, फ्लैल्ड यहाँ पे क्या है, फ्लैल्ड का मीनिंग राइट करें, मूव्ड आर्म्स एंड लेग्स विदाउट कंट्रोल, यानी कि बिना नियंत्रण के हाथ पांव मारना। मैंने पानी की सतह पर बिना नियंत्रण अपने हाथ पांव मारे, स्वेलोड यानी कि पानी गटक गया, निगल गया, एंड चोक्ड और फिर से मेरा गला रुक गया। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने मेरी टांगों को ऊपर लाने की कोशिश की, बट दे हंग एज डेड वेट्स, किंतु वे इस तरह से लटक गई जैसे कि मर्त प्राय हो गई हों, यानी कि मरने के बाद जैसे हमारे शरीर के अंग लटक जाते हैं, इस तरह से पैरालाइज्ड लकवाग्रस्त हो गई हों, एंड रीज्ड अकड़ गई हों। रीज्ड क्या होता है, अकड़ जाना, कठोर हो जाना, स्टिफ बोल सकते हैं इसका मीनिंग। ए ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर, एक बहुत बड़ी ताकत मुझे अंदर खींच रही थी, यानी कि अब दूसरी कोशिश उसकी जा रही है, यानी कि दूसरी बार डूब रहा हो पानी के अंदर। आई स्क्रीम्ड, मैं चिल्लाया, बट ओनली द वाटर हार्ड मी, किंतु केवल पानी ने मुझे सुना। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, मैंने शुरू कर दी लंबी यात्रा तालाब के तल पर वापस जाने की, यानी कि दोबारा अब पानी में जा रहा था। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, जैसे जैसे मैं नीचे जाता गया और पानी में अनेबल टू मूव, यानी कि एकदम से पानी के साथ लड़ाई करना बोल सकते हो, पानी को काटना, थपथपाना बोल सकते हो, स्ट्रक काटना होता है वैसे। एज आई वेंट डाउन, जैसे जैसे मैं नीचे जाता गया, एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, मेरी ताकत को बढ़ाते हुए, एक्सपेंड खर्च करते हुए बोलोगे वैसे, यहाँ पे मेरे अंदर जितनी ताकत थी वो सारी लगाते हुए पानी के साथ में पानी को काट रहा था अपने हाथों से। एज वन इन ए नाइटमेयर, जैसे कोई भी फाइट्स एन इरिस्टेबल फोर्स, इरिस्टेबल फोर्स होती है यानी कि जिस पे कंट्रोल नहीं किया जा सके, ऐसी ताकत, सपने में कोई डरावना सपना आ जाता है और एक ऐसी ताकत से हम लड़ाई करते हैं सपने में जिस पे हम कंट्रोल नहीं कर पाते, उसी तरह से मैं पानी को काट रहा था। नाइटमेयर, बैड ड्रीम कर सकते हो, बुरा सपना, तो जैसे बुरे सपने में डरावना, फ्राइटन ड्रीम भी कर सकते हो, डरावने सपने में मैं एक ऐसी ताकत जिस पे कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ऐसी ताकत से हम लड़ते, उसी तरह से पानी में मैं मेरी पूरी ताकत के साथ पानी में हाथ पांव मार रहा था। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रीथ, मैं मेरी सांस खो चुका था। माई लंग्स एक्ट, एक क्या होता है, पेन, मेरे फेफड़ों में दर्द होना शुरू हो गया था। माई हैड थ्रोब्ड, थ्रोब्ड क्या होता है, पल्पिटेटेड, यानी कि धड़कना, मेरा सिर धड़क रहा था। आई वॉज गटिंग डिजी, मैं चकरा रहा था, डिजी का यहाँ पे मीनिंग कर सकते हो फीलिंग गिडी, चकराना, सिर चकरा रहा था। बट आई रिमेम्बर्ड द स्ट्रेटजी, किंतु मुझे मेरी स्ट्रेटजी प्लान, मुझे मेरी योजना याद थी, स्ट्रेटजी का मीनिंग कर सकते हो प्लान। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल, मैं तालाब के तल से उछलूंगा, एंड कैम लाइक ए कॉर्क ऑफ द सरफेस, और एक जो डाट होती कॉर्क होती है उसकी तरह स्तर पर आ जाऊंगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन ई द वाटर, मैं पानी के ऊपर फ्लैट लेट जाऊंगा। समतल स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स
और मेरी बाजुओं से पानी को काटता हुआ एंड थ्रेस विद माई लेग्स और मेरी टांगों से पानी को काटता हुआ पानी से बाहर आ जाऊँगा. देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ. और फिर मैं तालाब के किनारे पर आ जाऊँगा और सुरक्षित हो जाऊँगा. ये उसकी स्ट्रेटजी थी. बोलिए मुझे फिर भी याद थी, यानी कि मेरा सिर चकराने लगा था, सिर में थोड़ी सी धड़कन हो गई थी, फेफड़ों में दर्द होना शुरू हो गया था, यानी कि खूब सारी परेशानी थी, सांस आना बंद हो गया था. उसके बावजूद भी उसे उसकी स्ट्रेटजी याद थी, मुझे क्या करना है, यानी कि इतना भी डरा हुआ नहीं था कि भाई सब कुछ भूल जाए. देन आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली. अंतहीन नीचे जाता गया जाता गया, यानी कि उसको अंतहीन लग रहा था क्योंकि वो अब ज़्यादा थका हुआ था. आई ओपन माई आईज, मैंने मेरी आँखें खोली. नथिंग बट वाटर विद ए येलो ग्लो, मुझे पानी के अलावा कुछ नहीं दिखाई दिया जिसमें एक पीली सी चमक थी. डार्क वाटर, अंधेरा पानी, यानी कि अब उसकी आँखों के आगे अंधेरा छा रहा था ना, तो उसे पानी भी काला लग रहा था. दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, जिसमें से कोई देख नहीं सकता, अब मुझे ऐसा दिखाई दे रहा था. एंड देन, और फिर सीयर स्टॉक टेरर सेज्ड मी. सीयर मीन क्या कर सकते हो, अटर, और स्टॉक का मीनिंग कर सकते हो इम्पॉसिबल टू अवॉइड, एक ऐसा डर जिससे बचा नहीं जा सके. टेरर मीन डर, आतंक, एक ऐसा डर जिससे बचा नहीं जा सके. ऐसे डर ने सीज्ड मी, जकड़ लिया मी, मुझे ऐसे डर ने मुझे जकड़ लिया. टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, एक ऐसा डर, एक ऐसा आतंक जो किसी समझ को नहीं जानता. टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, आतंक, डर ऐसा जो किसी नियंत्रण को नहीं जानता. टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टूड, ये लाइन फिर से इम्पोर्टेंट आ गई, ये इस लेसन की फिर से एक बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है. टेरर नो वन कैन अंडरस्टैंड Who has not experienced it, वो व्यक्ति नहीं समझ सकता जिसने इसका अनुभव ना लिया हो. I was shrieking under water, मैं पानी के नीचे चीख रहा था. I was paralyzed under water, मैं पानी के नीचे लकवाग्रस्त हो गया था. Stiff, अकड़ गया था. Rigid, अकड़, stiff भी अकड़ जाना, rigid कठोर हो गया था. With fear, डर के मारे. Even the screams in my throat were frozen. यहाँ तक कि मेरे गले के अंदर, throat क्या होता है, गला, गले के अंदर जो चीख थी वो भी जम गई थी, यानी कि अब आवाज़ नहीं निकल रही थी. Only my heart, केवल मेरा दिल, and the pounding in my head, और मेरे सिर के अंदर जो धड़कन थी. Pounding का मीनिंग कर सकते हो making a beating noise, यानी कि धड़कना. सिर के अंदर जो धड़कन थी, सैड दैट, उसने कहा, आई वॉज स्टिल अलाइव, मैं अभी भी जिंदा था, यानी कि बस थोड़ी सी दिल की धड़कन और सिर में थोड़ी सी धड़कन हो रही थी, उससे मुझे पता चल रहा था मैं जिंदा था, बाकी मैं, मेरे हाथ पर अब काम करने बंद कर गए थे. एंड देन, और फिर इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर, उस आतंक के बीच में, उस डर के बीच में, कि मे टच ऑफ रीजन, यानी कि मेरे मन में एक विचार आया. आई मस्ट रिमेंबर टू जंप, मुझे कूदना याद रखना है. मस्ट रिमेंबर यानी कि याद रखना अवश्य कूदना. वेन आई हिट द बॉटम, जब मैं तल से टकराऊंगा, यानी कि इतना कुछ हो गया फिर भी उसने अपना विवेक नहीं खोया, अभी भी उसके मन में बचने की उम्मीद है, होप है उसके मन में कि भी मैं बचूंगा. एट लास्ट, आखिरकार, आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, मैंने मेरे नीचे टाइल्स को महसूस किया. माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम, मेरे पैर की जो उंगलियां थी वो इस तरह से टाइलों तक पहुंची जैसे कि वो उनको झपट कर पकड़ लेंगी. आई जंप्ड विद एवरीथिंग आई हैड, जो मैं कर सकता था उन सब चीज़ों के साथ मैं उछला. बट द जंप मेड नो डिफरेंस, किंतु उस कूद से, उस उछाल से कोई फर्क नहीं पड़ा. मेड नो डिफरेंस, कोई फर्क नहीं पड़ा. द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, पानी अभी भी मेरे चारों तरफ था. द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, पानी अभी भी मेरे चारों तरफ था. आई लुक्ड फॉर रोप्स, लैडर्स, वाटर विंग्स, मैंने रस्सी खोजी, मैंने सीढ़ी खोजी, पानी के पंख खोजे, यानी कि मुझे रस्सी मिल जाए तो मैं उसको पकड़ कर ऊपर चला जाऊँ, मुझे सीढ़ी मिल जाए तो उस पर चढ़कर ऊपर चला जाऊँ, पानी के पंख मिल जाए, ऐसी वो कल्पना कर रहा है.
नथिंग बट वाटर, मुझे कुछ नहीं मिला पानी के अलावा। ए मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, मास हीप होता है तो यहाँ पे क्या है, पीले बहुत ज़्यादा घना घने पीले पानी ने मुझे जकड़ लिया। स्ट्रक टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, तो बोल जो जिसे बचा स्ट्रक टेरर, जिससे टाला न जा सके, इम्पॉसिबल टू अवॉइड, मैंने पहले भी बताया था, यानी कि ऐसा डर जिससे बचा नहीं जा सकता, उसने मेरे ऊपर और भी गहरी डीपर होल्ड, और भी गहरी पकड़ बना ली, लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि बता रहा वो डर कैसा था, जैसे कि बिजली का एक बहुत बड़ा झटका हो। आई शुक एंड ट्रम्बल विद फ्राइट, मैं डर के मारे कप कपाया, बोल सकते हैं सुक मीन भी हिलना होता है, ट्रम्बल मीन कप कपाना, यानी कि मैं डर के मारे थर थरा गया, कप कपा गया। माई आर्म्स वुडंट मूव, मेरी बाजू नहीं हिली। माई लेग्स वुडंट मूव, मेरी टांगे भी नहीं हिली, यानी कि अब बाजू थी, हाथ पांव थे, अब वो हिलना बंद हो गई थी। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने सहायता के लिए पुकारने की कोशिश की। टू कॉल फॉर मदर, माँ को पुकारने की कोशिश की, अब माँ याद आ गई। नथिंग हैपन्ड, कुछ नहीं हुआ। एंड देन, और फिर स्ट्रेंजली अजीब ढंग से देयर वाज लाइट, प्रकाश था, यानी कि अब उसको लग रहा था पानी के अंदर हूँ, अब तो मैं ऊपर जा ही नहीं सकता, लेकिन फिर अचानक से उसे प्रकाश दिखाई दिया। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ओफुल येलो वाटर, मैं उस ड्रावने भयभीत कर देने वाले अजीब सा जो ड्रावना सा जो पानी था, उससे मैं अब बाहर आ रहा था, उसे बाहर था। एटलीस्ट माई आईज वर, कम से कम मेरी आंखें बाहर आई। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, मेरी नाक भी लगभग बाहर आ गई थी, यानी कि वह वो अब ये दूसरी अटेम्प्ट हो गई उसकी पानी के अंदर, दूसरी बार गया है वो, अब तीसरी बार जाएगा। देन आई स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम, फिर मैंने तीसरी बार नीचे जाना शुरू कर दिया। आई सक्ड फॉर एयर, यानी कि सक मीन होता है चूसना, तो बहुत ज़्यादा घुटन हो रही है तो वो चूसेगा ही, वैसे तो सांस लेना होता है, यहाँ पे नॉर्मल सांस तो वो ले नहीं रहा था। मैंने पानी हवा को सांस लेने की कोशिश की, एंड गोल्ड वाटर, मुझे पानी मिला, क्योंकि वहाँ पानी के अंदर चला गया था। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, जो थोड़ी सी जो हल्की सी जो पीली पीली जो रोशनी थी वो चली गई थी, यानी कि थोड़ा सा एक बार ऊपर आया था फिर नीचे जाने लग गया था, तब वो प्रकाश उसे थोड़ा सा दिखाई दिया था, वो नहीं था। देन ऑल एफर्ट्स सीज्ड, फिर जो सारी कोशिशें थी वो बंद हो गई। सीज्ड क्या होता है, बंद हो जाना। आई रिलैक्स्ड, मैंने आराम महसूस किया। इवन माई लेग्स फेल्ट लेम्प, यहाँ तक कि मेरी टांगे थी वो भी बिल्कुल लटक गई थी। लेम्प मीन क्या होता है, बिल्कुल ढीली होकर लटक जाना, लाइफलेस बोल सकते हो लिम्प का, जीवन रहित हो गई थी, मुझे ऐसा महसूस हुआ। लिम्प का मीनिंग करो लाइफलेस। एंड ए ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और मेरे दिमाग पर एक कालापन छा गया, यानी कि अंधेरा छा गया, अब वो बेहोश हो रहा है। इट वाइप्ड आउट फियर, इसने सारे डर को साफ कर दिया, यानी कि अब बेहोश हो रहा है तो डर कहाँ का। इट वाइप्ड आउट टेरर, इसने सारे आतंक को हटा दिया, साफ कर दिया। देर वॉज नो मोर पैनिक, अब कोई आतंक नहीं था। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, ये एकदम शांत और शांत था, यानी कि बिल्कुल खामोश और शांत था, कुछ भी नहीं था। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, कुछ भी नहीं था जिससे डरा जाए। दिस इज नाइस, ये बहुत ही बढ़िया था। अब बीच बीच में डोट का मतलब है कि वो बेहोश हो रहा है, और थोड़ा थोड़ा बीच बीच में बोल रहा है, थोड़ा थोड़ा बेहोशी के बीच में उसे थोड़ा सा बीच में चेतन अवस्था में आता है थोड़ा सा, और फिर महसूस करता है कुछ, और फिर बेहोश होता है इस तरह से, यानी कि हल्की हल्की बेहोशी छा रही है उसके ऊपर, और बीच बीच में कुछ कुछ चीज़ें उसे याद आ रही हैं, इस डोट का मतलब ये है। तो बोले अब बहुत अच्छा लग रहा था। टू बी ड्रोसी, तो उसे कैसा महसूस हो रहा था, उनिंदा सा होना, जैसे कि उसे नींद आ रही हो। टू गो टू स्लीप, अब सोने को मन कर रहा था। नो नीड टू जंप, अब कूदने की कोई ज़रूरत नहीं थी। टू टायर्ड टू जंप, इतना थक गया था कि कूद ही नहीं सकता था। इट इज़ नाइस टू बी कैरिड जेंटली, अब ये बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही प्यार से कोमलता से उठाए ले जा रहा था, यानी कि अब दर्द बंद हो गया था सब चीज़ों में, बेहोश हो रहा था ना।
टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, मैं एक स्पेस पर तैर रहा था। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, मुझे ऐसा लग रहा था कि कोमल कोमल भुजाएं मुझे कहीं उठाई ले जा रही हैं। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, इतनी कोमल थी जैसे कि माँ की बाजू हूँ। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मुझे सो जाना चाहिए। आई क्रॉस्ड टू ओब्लिवियन, मैं गुमनामियों में खो के उस पार चला गया, यानी कि जहाँ हम सब कुछ भूल जाते हैं, यानी कि वो ऐसा बेहोश हो गया कि अब उसे कुछ याद नहीं था। एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, और जीवन का पर्दा गिर गया, यानी कि अब वो बेहोश हो जाता है और उसे उसके बाद क्या होता है वो उसे याद नहीं है। जब वो चेतन अवस्था में आता है तब उसके बाद की बात बताएगा आगे। तो आज इतना ही, मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा, और बाकी की स्टोरी हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। सी यू अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।